Good morning, students. Today we will read first chapter of English. Who did Patrick's homework? Before you read, discuss in class. Do you like homework? Do you do it yourself? Or do you get help? What homework do you usually have? इसे before you read में जो पार्ट पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जाननी होती है उसमें डिस्कस इन क्लास है, यानी कि क्लास में डिस्कस करना है कि क्या आपको होमवर्क पसंद है और क्या आप अपना होमवर्क खुद से करते हैं या फिर किसी की मदद लेते हैं और किस टाइप के होमवर्क आपको मिलते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक एक बच्चे का नाम है जिसने अपना होमवर्क कभी नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता है कि होमवर्क जो है वो बहुत बोरिंग होता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, वो हॉकी बास्केटबॉल और निंटेंडो, उसे कहते हैं एक तरह का वीडियो गेम है, उसे यही सब खेलना पसंद था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उनके टीचर्स कहते थे पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम कभी कोई चीज़ नहीं सीख पाओगे, अपना होमवर्क किया करो पढ़ा करो नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच थी, सच बात थी। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नॉर्मस, कभी कभी उसे फील होता था, इग्नॉर्मस मतलब होता है कि उसे भी ऐसा लगता था कि ऐसा बच्चा जो कि होमवर्क नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, तो उसे भी कभी कभी ख़राब लगता था कि मैं कैसा बच्चा हूँ जो होमवर्क नहीं करता हूँ, पढ़ने में भी अच्छा नहीं हूँ। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क पसंद ही नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, एक दिन वह देखता है उसने पाया कि उसकी जो बिल्ली थी वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही थी। टू हिज सरप्राइज इट वॉन्ट अ डॉल, उसने क्या किया, उसे डॉल को उससे दूर किया और वो सरप्राइज हो गया, आश्चर्य में पड़ गया कि ये वो डॉल नहीं थी एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनेस्ट साइज, वो बहुत छोटा सबसे छोटे साइज का एक आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शीट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेज एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच ही येल्ड, और उसने वुलन कपड़े पहने हुए थे और उसके सर पे एक टोपी था, जैसा कि चुड़ैल वगैरह का टोपी होता है वैसा उसने टोपी पहना हुआ था। सेव मी, और वो कहता है, चिल्लाता है, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, प्लीज़ मुझे उस बिल्ली के पास दोबारा मत भेजो, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा, मैं तुमसे ये प्रोमिस करता हूँ, मेरी ज़िंदगी बचा लो। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को विश्वास नहीं होता है कि वो इतना लकी कैसे हो सकता है, इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है। Here was the answer to all of his problems. ये एक answer था उसके सारे problems का, यानी कि उसके साथ जो भी problems थी उसे ख़त्म करने का ये एक solution था। So he said, तो उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, कि सिर्फ तुम्हें मेरा homework करना है जब तक सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता है, दैट्स 35 days, जो कि सेमेस्टर को ख़त्म होने में 35 days बाकी थे। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस, वो कहता है, पैट्रिक कहता है कि अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगे तो मुझे हर चीज़ में ए मिलेगा, ए ग्रेड मिलेगा। द लिटिल मैंस फेस रिंकल्ड लाइक अ डिशक्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scowled at pursed his lips. Oh, I am cursed, but I will do it. तो वो जो छोटा सा आदमी था उसके फेस पे रिंकल लाइनिंग बन जाता है, वो काफ़ी टेंशन में हो जाता है और वो गुस्सा भी हो जाता है, उसे अच्छा भी नहीं लगता है कि अरे मैं कहाँ फंस गया, और वो कहता है अपने ये लिप्स को दबाते हुए, अरे ये तो मुझे श्राप लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करूँगा और क्या कर सकता हूँ, मैं इस काम को करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड
दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. एल्फ का मतलब है जो छोटे से आदमी था, उसे एल्फ कहा जाता था. तो उसने जो कहा था उसे वो पूरा भी करता. तो एल्फ जो है बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, तो वो शुरू हो गया पैट्रिक का होमवर्क करने लगा. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. हेल्प मी ही हैड से. तो वो क्या होता है कि अब एल्फ को पता ही नहीं था, उसके साथ एक प्रॉब्लम थी एल्फ के साथ, उसे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है, मैं कैसे होमवर्क करूं. वो बार बार कहता था कि मेरी सहायता करो, मुझे सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, मैं कैसे करूं, मुझे कुछ जानकारी नहीं है. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. और पैट्रिक को बार बार उसकी मदद करनी पड़ती थी, वो चाहे जिस भी तरीके से करे बार बार उसे हेल्प करना पड़ता था. आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीज्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. अब फिर जो एल्फ था वो फिर बीच में बोलता है घबराते चिल्लाते हुए, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था, कि मैं इस वर्ड को तो जानता ही नहीं हूँ, ये कैसा वर्ड है, गेट मी अ डिक्शनरी. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. फिर वो कहता है कि चलो जाओ और जल्दी से डिक्शनरी लेके आओ. फिर वो कहता है कि नहीं, तुम इसे ज़ोर ज़ोर से एक एक वर्ड को पढ़ो तो फिर मैं समझ सकता हूँ, मुझे ये वर्ड तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है. फिर है कि वेन इट कम्स टू मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. अब जब मैथ की बारी आई तो पैट्रिक जो था उसका भाग्य ही काम नहीं किया. वॉट आर टाइम्स टेबल्स, ये टाइम टेबल्स क्या होता है, द एल्फ स्क्रीट. वो जो एल्फ था वो बोलता है आश्चर्य में, अरे वो घबरा गया, कंफ्यूज था. वो कहता है कि अरे ये टाइम टेबल क्या होता है, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट. हम एल्फ्स को तो कभी इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम लोगों ने तो कभी ऐसी पढ़ाई की ही नहीं. एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, ये सब क्या है, जोड़ घटाओ गुना भाग, ये सब क्या है. हियर सेट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. फिर वो कहता है एल्फ कि तुम मेरे बगल में बैठ जाओ और मुझे गाइड करो. एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री. जो एल्फ था, जो छोटा सा आदमी था, वो कुछ जानता ही नहीं था, उसने तो ह्यूमन की हिस्ट्री नहीं जानी थी. एक तरह से वो तो हिस्ट्री इतिहास जानता ही नहीं था, और उसके लिए हर चीज़ एक रहस्यमय थी, उलझा हुआ चीज़ था, वो जिसे समझ नहीं पा रहा था. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. फिर वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि जाओ जल्दी जाओ और जाके लाइब्रेरी से बुक लेकर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लाओ और मुझे हेल्प करो पढ़ने में, तुम्हें मुझे हेल्प करना होगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये क्या है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. अब क्या होता है कि हर चीज़, हर जो भी काम हो रहा था, हर दिन जो एक एक दिन बीतता जा रहा था, जो लिटिल एल्फ था वो सारा काम तो उसी से करा रहा था, पैट्रिक से कराता था. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर दैन इवर. पैट्रिक जो था आज तक इतनी मेहनत नहीं किया जितना कि वो एल्फ के साथ मिलकर के करता था. एंड वॉज इट अ ड्रैग, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आई पफ्ड एंड ब्लरी. अब वो पूरी रात जागता और अपना होमवर्क कराता, उसे लगता था कि मेरा होमवर्क तो एल्फ कर रहा है, और पूरी रात वो जागता और ऐसे ही अधूरी नींद पूरी करने के कारण उसके आँख बंद होते रहते, जैसे तैसे वो स्कूल जा पाता. Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and slyly slipped out the back door. अब finally, वो last दिन आ गया था जब elf free हो गया था. 35 days जो semester ख़त्म होने में बाकी थे वो 35 days complete हो गए थे, और एल्फ फ्री हो चुका था वहाँ से जाने के लिए. अब वो तो इतना परेशान था कि वो जल्दी से भाग जाता, एकदम चुपके चुपके वो बैक डोर से, पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता, वो चला जाता है, क्योंकि वो फ्री हो गया था, उसने विश कंप्लीट कर दी थी. पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज, एंड हिज पेरेंट्स.
पैट्रिक को हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिला था। उसके जो क्लासमेट थे वो भी आश्चर्य में थे। उसके जो टीचर्स थे वो स्माइल कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और उसके लिए दुआएं कर रहे थे। उसके पेरेंट्स जो थे वो भी दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। वो लोग आश्चर्य में थे कि आखिर पैट्रिक को हो क्या गया, वो इतना बदल कैसे गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. वो बिल्कुल बदल गया था। वो अब अपने रूम को गंदा भी नहीं करता था, उसे साफ़ रखता था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से बुरी तरह बिहेव भी नहीं करता था, सबसे मिलजुल के रहता था और ऐसा लग रहा था कि उसमें एक नया ताजगी जगी उसके अंदर और वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहा। यू सी इन द एंड, आपने देखा कि लास्ट में क्या हुआ। पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक को हमेशा से लगता था, पैट्रिक सोच रहा था कि मेरे होमवर्क को उस छोटे से आदमी ने किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं आपके साथ एक रहस्य शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट बिकॉज यू एंड मी, क्योंकि आप और मैं, ये पोइट, ये ऑथर कहते हैं कि मैं आपके साथ एक रहस्य शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या थी? इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। ये कोई एल्फ नहीं था, ये कोई जादूगर नहीं था, कोई छोटा सा आदमी नहीं था। ये होमवर्क किसी ने नहीं किया, बल्कि ये होमवर्क खुद पैट्रिक ने किया और पैट्रिक ने ही इतनी मेहनत करके अपने लाइफ को चेंज किया। इस तरह चैप्टर 1 ख़त्म होता है। थैंक यू।